भाई शिट यार, ये पूरी की पूरी मतलब मार्केट बनी होती थी यहाँ पर, इतना सब कुछ, इतनी शॉप्स थी, बहुत ज्यादा ही सारा खाली हो गया। अब हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। विनीत स्वागत करता है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड वेल। और बस भैया एक बात कहूँगा कि थोड़ा सा सपोर्ट अपोर्ट अच्छा कर दो यार, ताकि तुम्हारा भाई रेगुलर हो जाए वीडियोस के अंदर, है ना, रेगुलर भी हो जाए और अच्छे से मेहनत भी वैसे भी कर ही रहा हूँ, है ना। मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ, डेली अप्रैल पूरा अप्रैल वीडियो डालते हुए हो गई, और फिर भी यार तुम सपोर्ट ना करो तो कर दो ना प्लीज़, है ना, ना? ठीक है ना, ऐसा मत करा, कर दिया करो वीडियो में सपोर्ट यार। और आज जहाँ मैं जाने वाला हूँ, ये दिल्ली में ना, मतलब मैं वैसे भी ना, मैंने सोचा था जो मैं अपनी ब्लॉगिंग कर रहा था उसमें एक कंसेप्ट ये था कि मैं दिल्ली दर्शन कर रहा हूँ, है ना। अब चाहे सारा कुछ हो, है ना, चाहे कहीं, मतलब दिल्ली के जो प्लेसेस होंगे ना, मैं वो सारे का मैं आपको डेली की डेली नए नए प्लेसेस दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको भी पता लगे। वैसे भी पता होंगे, मैक्सिमम लोगों को पता होंगे, लेकिन जिसको नहीं पता है या जो मेरे ब्लॉग बाहर से देखता है, मैं उनके लिए वीडियो है कि आप अगर कभी दिल्ली आते हो, है ना, दिल्ली के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मतलब क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, है ना, जैसे हुमायूं टॉम जेन्युइन, मज़ा आ गया था वहाँ पर जाकर के गाइस, है ना। और फिर उसके बाद हम लोटस टेम्पल जाएंगे, है ना, लोटस टेम्पल जाएंगे, इंडिया गेट में जा चुका हूँ, इंडिया गेट का मैंने आपको दिखा दिया, मस्ट विजिट, जो श्रद्धांजलि है ना वहाँ जरूर जाना भाई, कहीं जाना मत जाना, लेकिन श्रद्धांजलि वाली जगह पर जरूर जाना। बाकी उसके बाद फिर अपन वहाँ गए इंडिया गेट, इंडिया गेट के कुतुब मीनार जा चुका हूँ, कुतुब मीनार का भी लोग आपने देख ही लिया होगा, कुतुब मीनार जा चुका हूँ, इंडिया गेट जा चुका हूँ, लोटस टेम्पल जाना है। आज तो मैं अपनी क्या मतलब, आज मंगलवार है, मुझे लगता है आज शायद बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, दिल्ली दर्शन तो करवाऊंगा, मतलब ये बात यहाँ पर एंड होने के बाद दिल्ली दर्शन जरूर करवाऊंगा। उसके बाद अगर आपको कोई प्लेस लगता है कि आप मतलब वहाँ जाना चाहते, मतलब आपको वो वीडियोज़ देखनी है, नहीं जा पा रहे, वीडियोज़ देखनी है, रिव्यू लेना है वहाँ का, तो यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो, है ना। तो मैं सबके मैसेज वैसे भी पढ़ता ही हूँ, है ना, रिप्लाई मैं थोड़ा देर में दे पाता हूँ क्योंकि कई बार टाइम नहीं होता है, तो ये मैं थोड़ा मानूंगा, बट मैं देखता हूँ सबके, है ना। तो कमेंट कर दो, है ना, जहाँ आपको मन है कि यहाँ की वीडियोज डालनी है तो वहाँ का कमेंट कर दो बस। और आज मैं जाने वाला हूँ जो सबसे ज्यादा मान्यता है ना, कालका जी दिल्ली के, कालका जी वहाँ की भाई, बिल्कुल बिल्कुल मतलब सच्ची, ठीक है, उनके धाम पर कुछ भी मांग लो, कुछ भी मांग लो, सब पूरा है भाई, सब पूरा, कितना भी निराश चला जाए बंदा वहाँ जा करके सब। मैं मेरा ये मानना है कि ना, एक श्रद्धा जो होती है ना वो ऐसी होती है कि अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है ना तो भगवान सच्चे हैं, ठीक है। स्वार्थ तो यार हर चीज़ देखो स्वार्थ तो इंसान को नहीं पता पसंद, ठीक है, स्वार्थ तो इंसान का मैं इंसानों तक को नहीं पसंद, लेकिन वो तो फिर भी भगवान है, वो तो तुम्हारे स्वार्थ को भी क्या मैं अपने उसमें प्रेम में ले लेते हैं कि चलो ठीक है स्वार्थ से ही सही आया तो है। तो मतलब वहाँ की माँ जो है ना, मैं अपने उस पर ही बता रहा हूँ, मैंने खुद भी अब ये नोटिस करा है, और मैं नोटिस करने की ज़रूरत ही नहीं है यार। मैं वैसे भी देखो, मेरे को बिन मांगे उन्होंने सब कुछ दिया, मेरी राधा रानी ने सब कुछ दिया मेरे को, जय श्री राधे, मेरी राधा रानी ने मेरे को इशारों पर भी या मेरे को जैसे भी मेरे को बिना मांगे इतना सब कुछ दे दिया, तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी से कुछ मांगने की, मुझे किसी से भी कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरी राधा रानी मेरे पास कर देगी ना, बस मेरे को इतना चाहिए बस वो मेरे ऊपर नज़र रख ले, बस एक बार बस उनकी नज़र हो जाए मेरे पे, मुझे कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए मुझे, वाकई में कुछ नहीं चाहिए, बस उनकी नज़र काफ़ी है, बस एक बार वो देख तो ले, एक बार नज़र तो कर दे बस मेरी तरफ, है राधा रानी कर दो, मतलब सब मंत्रों से परे, पूरी सृष्टि पूरे ब्रह्मांड से परे, जो सिर्फ एक नाम है ना वो नाम ही काफी है, राधे राधे, तो वो ताकत है राधा नाम में, मैं लिटरली बता रहा हूँ, एक बार करके देखो राधा नाम का जप ना, दुनिया तुम्हारे अधीन हो जाए, तुम्हारे चेहरे पर जो चमक आती है ना राधा नाम से, माइंड ब्लोइंग, कुछ भी कितना भी मेकअप कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, कोई क्या चमक वमक नहीं आने वाली, जो चमक सिर्फ राधा नाम से आएगी,
बस मेरी एक उम्मीद है, मैं आपको इस व्लॉग में बोल ही दे रहा हूँ, मेरी बस एक उम्मीद है, मैं उनसे जरूर मिलना चाहता हूँ जो मथुरा वृंदावन में है ना, एक बाबा है जो किडनी फेलियर है ना, ऐसे बोलना चाहिए जय श्री राधे है ना, लेकिन मेरे को उनसे मिलना है यार, मतलब एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, मेरे को उनसे मिलना है, मतलब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि वहाँ ना पहले से बताना पड़ता है, शायद अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है ना, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है मेरे हिसाब से शायद, तब जाकर के वहाँ पे मिलते हैं, तो मुझे पूरा प्रोसीजर में जानने के बाद उसके बाद जाऊँगा, उनके दर्शन जरूर करके आऊँगा यार, उनकी पता है, मैं अब उनके बारे में बताऊँ कुछ, ठीक है, मैं साइड में क्लिप भी डाल दूंगा किन की बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनकी दोनों किडनी नहीं है यार, और स्टिल वो परमात्मा, वो परम आत्मा का मैं अभी है, और सब पर राधा रानी के नाम का रस छलका रहे हैं, रस बरसा रहे हैं, तो मतलब मैं उनको तो कोटि कोटि यहीं से प्रणाम करता हूँ, और मैं जब आ जाऊँगा तो, और मैं वहाँ ज़रूर जाना चाहता हूँ यार, बाकी चलो दिल्ली के खाटू श्याम कह रहा हूँ, है ना, दिल्ली के कालका जी आपको आज लेकर के चलते हैं गाइस, और शायद मेरे हिसाब से टाइम का थोड़ा शेड्यूल बना, तो चलो बाद में बताएंगे, सारे प्लान अभी बता दो क्या, सारे अभी नहीं बताने चाहिए, कुछ को छोड़ देने भी चाहिए, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर सफर में। ऐसा भी देख रहे हो, मैं बीच रोड पर खड़ा हूँ, और बीच रोड पर रेड लाइट क्या रेड हुई है, और जाम देखो, मैं खुद से नहीं खड़ा यहाँ पर, खुद से बताऊंगा मैं यार, खुद से नहीं खड़ा, ये देखो एक बार, बीचों बीच खड़ा हूँ मैं, बीचों बीच, और ये लोग ना पूरा घूम करके निकल रहे हैं, मेरे को इनका लग रहा है, फिर अपना भी लग रहा है कि बीच रोड पर खड़ा हूँ कहीं कुछ मार वार ना दे कोई, देखो कितनी सटा के निकालने में, तो आगे कर लूँ भाई अपनी थोड़ी मेरी गाड़ी में कुछ ना होना चाहिए यार, फिर मेरे छूट जाएगा, फिर पीट पाड़ दूंगा एक आधी ने, नहीं पीटूंगा मैं, नहीं हूँ ऐसा, मैं लड़ाई झगड़े से दूर रहता हूँ, लेकिन यार नहीं भाई, बहुत गंदा जाम है भाई, मतलब अभी तक मैं दिखाता हूँ तुम्हें, कंटिन्यू तुम देखो, अगर तुम्हें मजाक, भाई साहब छोरी चलान लग रही है इसमें, मैं तो इधर मोड़ ले रहा हूँ, इधर कौन फंसे देखो एक बार देखो आप खुद ही देख लो, कौन फंसे इसमें, मैं तो इधर से निकल जाऊँगा, मेरे को जाना भी उधर ही है, क्यों जाऊँ इधर से, इतना गंदा फंसा, कालकाजी वाली है ना मेट्रो पार्क, कालकाजी वाली आगे है बराबर में पार्क के नाम पर, ये डीएमआरसी की है, अच्छा बराबर में पार्क की, तो पेड़ तो वो भी होगी, हां पेड़ है भाई, सेम है रेट नहीं उसका, वो ज्यादा है, अच्छा उसका कितना है, वो ₹50 घंटे करीब लेगा, अच्छा लव दे दो ₹30 से घंटे के, अरे यहां पर कम से कम रिलीफ तो होगा वहां, कोई टेंशन नंबर बोल दो भैया, नंबर अब पता नहीं 30-40 है लास्ट नंबर, 30-40 हां 30-40, ये तो लिखा हुआ है कालका जी मंदिर वाली पार्किंग है, हाँ नहीं वो तो वो है ना मेट्रो स्टेशन का नाम है, अच्छा एक हो गई है गाड़ी, चलो जी पार्क ले ली यहाँ पर, और यहाँ पर ये रख दो इसको यहाँ पर, हाँ तो गए यहाँ पर, लेकिन थोड़ी वॉशरूम होया हूँ मैं, बहुत तेज लग रही है, अरे भाई क्या जाम है आज दिल्ली के अंदर, ये मेट्रो स्टेशन है भाई, गाइस मैं तुम्हें बता दूँ अभी, गाइज ये तो है यहाँ पर मेट्रो स्टेशन, कालका जी मेट्रो स्टेशन है ये, यहाँ पर यहाँ से सिर्फ लेफ्ट लेते ही उस तरफ से भी जा सकते हैं, वहाँ से देखो वहाँ से लेफ्ट लेकर के और राइट लेकर के भी आ सकते हैं, दोनों तरफ से पार्किंग का भी है, और हम जाएंगे यहाँ से, है
ये लो, मैं भी आज शायद ना भीड़ ज्यादा ना हो। ये भी पार्किंग है क्या? पता नहीं ये स्टाफ वालों की होगी। यह शनिदेव महाराज है ना, और यहाँ से एंट्री करते ही पूरा नीचे, पूरा ये भी मंदिर है, नीचे भी मंदिर है, और इस तरफ जाकर के वो मेन मंदिर जो है, इस तरफ लेफ्ट जाकर के सीढ़ियों पे स्टेयर पे चढ़ के फिर वहाँ पर अभी दिखाता हूँ। ये है हमारे इतना बड़ा ग्राउंड है, जब ही नवरात्रे होते हैं ना तो यहाँ पर रोज जागरण कीर्तन वगैरह सब कुछ होता है यहाँ पर ही। और ये देखो यहाँ से एंट्री करते ही इस तरफ चढ़ के जाना है, यहाँ पर भी घूमने का है वैसे, अभी आते समय घूमेंगे इस तरफ, तो यहाँ से चलो ऊपर। फिर यहाँ से एंट्री करते लेफ्ट हैंड साइड जाकर के भीड़ होती है आज, पता नहीं देखते हैं कितनी भीड़ होगी। तो काल का माई की जय। ओहो भाई साहब भीड़ देख रहे हो एक बार, रियल लेजेंड। ये रश आपको नॉर्मल डेज में मिले, नॉर्मल डेज में आज तो फिर भी कम है, नहीं तो भाई साहब ये रश ना मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में वीडियो में कितने दूर दूर तक होता है ये। अच्छा यहाँ से सारा सब कुछ हटा दिया इन्होंने, यहाँ पर सारी ना शॉप्स होती थी, अब सब हटा दिए इन्होंने। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ से राजा रानी तो ज़रूर लेकर के जाऊँगा, यहाँ से तो सारी शॉप्स ही गायब हो गई। ये सारी शॉप्स लगा करती थी मेरी किसी वीडियो में, अगर तुमने देखा हो शायद, मैं आया हूँ यहाँ पर तब शायद देखा हो, कन्फर्म नहीं है, तब मैं ब्लॉगिंग करता नहीं था शायद। हाँ सारा रश होता था भाई, ये सारा रश होता था, इतनी भीड़ होती थी, अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और यहाँ से ऊपर जाया करते थे, यहाँ से ऊपर जा करके ऊपर भी जाने का था, लेकिन ये सब बंद कर दिया अब। तेरी सदा ही जय, साचे दरबार की जय। एक शॉप हुआ करती थी वो भी नहीं है, सारी शॉप्स खत्म हो गई हैं, बस वो एक शॉप बची है प्रसाद के लिए। यहाँ पर ना धोनी होती थी, बहुत बड़ी धोनी होती थी यहाँ पर, ये भी खत्म कर दिया बिल्कुल, यहाँ पर कर दिया बस थोड़ा सा। भाई शिट यार, ये पूरी की पूरी मतलब मार्केट बनी होती थी यहाँ पर, इतना सब कुछ, इतनी शॉप्स थी बहुत ज्यादा, ये सारा खाली हो गया अब, यहाँ कुछ भी नहीं रहा, बस मंदिर है अब। भाई साहब यहाँ पर सारा, इतनी शॉप्स होती थी, अभी कितना मतलब
थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है और बाकी बहुत पुराना भी लग रहा है। अच्छा ये बार बार से देखने आ रहे हैं ये, मतलब इन्होंने ये ना बिल्कुल इन्होंने मना कर दिया, जो MCD वगैरह वाले होते हैं ना यहाँ पर, मतलब भीड़ वगैरह बहुत होती थी। जितना दिख रहा है आपको रैलिंग, ये इतनी ज़्यादा आगे तक रहती थी भीड़। तो यहाँ से एग्जिट करते हैं, यहाँ तक मैं दिखाऊंगा कि बाहर तक कुछ नहीं है भाई। ये लो जी, अब मैं वापस यहाँ से आ गया, उसके बाद अब एग्जिट करूँगा मैं नीचे से। टाइम हो गया, यहाँ पर हमारे भोले बाबा बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं भोले बाबा, ठीक है। ये जो भाई खड़ा है ना यहाँ पर, ये भाई जहाँ खड़ा है यहाँ पर भोले बाबा है, नवग्रह है, सबको ये है यहाँ पर। और इसके अंदर से मंदिर होकर के फिर एग्जिट है। अब तो चलो बंद हो गया, कोई बात नहीं, अब हम भी चलते हैं, चलते हैं फिर अब, है ना। तो बस ये थे दर्शन यहाँ के, मेरे को दर्शन करने थे, मैंने कर दिए, और मेरे को कराने थे तो मैंने करा दिए। हाँ ज़्यादा नहीं हो पाए होंगे, तो बस ये है कि अंदर का माहौल ऐसा था, है ना। माँ के दर्शन करने तो भाई खुद आ जाओ, ठीक है। दिखा देता हूँ वैसे कैसी है माँ, ठीक है, जिसने नहीं देखी उनको दिखा देता हूँ कैसी है माँ। दिखाऊँ माँ, मतलब ऐसी है माँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नजारा, रूप मज़ा आ जाता देख के। सारी शॉप्स यहाँ पर आ गई हैं गाइस, जो कालका जी मंदिर वाली है ना, सारी शॉप्स यहाँ आ गई हैं। राधा रानी है इन पे, ये राधा रानी है क्या, दिखाना। ये कैसी मिट्टी में है, मार्बल तो मार्बल नहीं, मतलब ये गाड़ी के डैशबोर्ड के लिए नहीं होगी कोई, गाड़ी के लिए तो उसमें देखो किस में दिखा दे, लाल वाली में दिखा, इसमें नहीं दिखाना, ये कैसे वाले मार्बल में, दो वाले में, आगे ठंडा वाले नहीं है यार, शालिग्राम। ये किशन जी हैं, भंडारा हो रहा था, भंडारा हो रहा था गाइस, मैंने ले लिया, अब खा लूँगा मैं और बस यहीं पर। भाई मैं अपना काम करने लग रहा था और इतने देखो मुस्कान क्या लेकर आई है, ये देखो गाइस क्या लेकर के आई है। ये वाली तो दो पेस्ट्रीज हैं, और ये कमेंट करके बताओ तुम क्या है, और ये मस्त लग रहा है इसके अंदर, ठीक है, खट्टी आ रहा है। और अभी तक यार ये क्या बात होती है, तुम ऊपर की खा गए, मेरे को भी खा रही थी सारी, उसमें है, उसमें और होंगी, ऊपर के एक ही है, नहीं और होंगी, इसके बीच में भी होते हैं सारे झूठ। तो अगर अभी तक आपने वीडियो देख लिया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर कमेंट ला दियो यार। वाकई में ना, मतलब मेरे को ये वाला ढोकला ना बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब इसके अंदर गोला है, कई पनीर वाले भी होते हैं इसके अंदर गोला है, फिर ये ढोकला है, फिर पता नहीं इसे, मैंने तो बता ही दिया तुम्हें, बताना था जबकि ठीक है, लेकिन मुझे वो जो जेन्युइन ढोकला होता है वो ज़्यादा बढ़िया लगता है।